Welcome students. The topic of our lecture is transportation, स्थानांतरण. सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण होता क्या है. ट्रांसलोकेशन का अर्थ ये हुआ कि किसी क्रोमोसोम का एक सेगमेंट टूट करके वहाँ से कोई भी टुकड़ा फ्रैगमेंट हट करके और किसी दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है और यह प्रक्रिया जो है रेसिप्रोकल होती है या व्युत्क्रमिक होती है. रेसिप्रोकल का अर्थ ये हुआ कि यदि कोई क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम के बीच में अगर ट्रांस जो है क्रोमोसोम सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट टूट करके दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है पहले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है. तो इस तरह से दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच किसी भी क्रोमोसोम के फ्रैगमेंट का एक्सचेंज होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है. अब स्थानांतरण और जो ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है वो क्रॉसिंग ओवर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. किस सेंस में डिफरेंट होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो जो है वो किसके बीच में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जीन एक्सचेंज होता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन में जो जीन एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में. तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन दोनों एक दूसरे से अलग है. अब ये जो ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम टूटता है और क्रोमोसोम जुड़ता है तो किस तरह से जुड़ता है, उसके बेसिस पर ट्रांसलोकेशन को हम जो है तीन भागों में बांटते हैं. कौन कौन से? ये तीन तरह के ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन. अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले हम सिंपल ट्रांसलोकेशन को देखते हैं, सामान्य स्थानांतरण. ये कंडीशन है हमारे सामने नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम. अब इस क्रोमोसोम में
यहाँ पर सेगमेंट डिटेल्स होता है इतना पार्ट, और ये पार्ट जो है इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर अटैच होता है। इसमें क्या होता है कि इतना पार्ट जो है, इतना सेगमेंट टूट जाता है, और टूट करके और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टीलोमियर एंड पर शीर्षस्थ भाग जो टीलोमियर होता है किसी क्रोमोसोम का, वहाँ पर जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये पार्ट जो है इसका है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का है, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से सिंपल ट्रांसलोकेशन में किसी क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट करके और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के टीलोमियर एंड पर जुड़ जाता है, तो उस तरह के हम ट्रांसलोकेशन को सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और यह परिस्थितियाँ सामान्यतः रेयर होती है, क्योंकि कोई भी सेगमेंट अगर किसी क्रोमोसोम से टूटता है और किसी क्रोमोसोम पर जुड़ता है तो वो टीलोमियर एंड पर कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि टीलोमियर एक ऐसी जगह है, वो सिरा है, जिसकी वजह से कोई भी क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है। यहाँ पर कोई भाग या कोई टुकड़ा जो है इस सिरे पर नहीं जुड़ सकता है। तो इस तरह से सिंपल ट्रांसलोकेशन रेयर कंडीशन पाया जाता है, सामान्यतः नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल ट्रांसलोकेशन। और अब हम बात करते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन क्या होता है? शिफ्ट ट्रांसलोकेशन की बात देखें, हम इसी क्रोमोसोम को इसी डायग्राम लेते हैं कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में जो है क्या होगा, कोई सेगमेंट टूटेगा, लेकिन किस कंडीशन में? सपोज करो यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक, तो ये सीटी पार्ट जो है टूट गया, या इंटर कैलरी सेगमेंट यहाँ पर टूटता है, और ये इंटर कैलरी सेगमेंट बीच का पार्ट टूट करके और यहाँ पर इंटर कैलरी फॉर्म में यहाँ पर जुड़ जाता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर। तो हमें इस तरह की स्थिति नजर आती है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में, हमें इस तरह की स्थिति नजर आती है। ये देखिए आप कि ये पार्ट जो है, टुकड़ा जो है टूटा और दूसरे सेगमेंट पर जो है इंटर कैलरी फॉर्म में जुड़ गया, यानी टीलोमियर और सेंट्रोमियर के बीच में ये पार्ट यहाँ पर जुड़ गया। तो इस तरह से बीच में जुड़ना जो है वो कहलाता है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, उसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन कहाँ जुड़ा था? उसके टीलोमियर एंड पर जुड़ा था, यहाँ पर टीलोमियर एंड पर नहीं जुड़ता है, बल्कि उसके इंटरकैलरी फॉर्म में बीच में जो है सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में कहीं भी जुड़ जाता है, उसको कहते हैं शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या व्युत्क्रमिक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट जो है वहाँ से टूट करके ब्रेक होकर के दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाते हैं, और दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का टुकड़ा टूट करके पहले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल ट्रांसफर इसके अंदर होता है। तो हमारे सामने एक कंडीशन बनती है कि अगर यही क्रोमोसोम हमारे सामने हो तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। ये एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जांपल कि इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट यहाँ से टूटा और इसका यहाँ से ये पार्ट यहाँ पर हो गया और ये पार्ट इस पर जुड़ गया। तो इस तरह की
ये सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशन, ये शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन की, और ये जो है रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये पार्ट जो है इसमें क्रोमोसोम सेगमेंट का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। तो सामान्यतः से ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि इसमें जो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। तो ये तीनों तरह के ट्रांसलोकेशन। अब हम जो है देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन का बिहेवियर, व्यवहार जो है स्थानांतरण का किस तरह का होता है। बिहेवियर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं कि जो स्थानांतरण का व्यवहार होता है वो कैसा होता है। तो हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का जो बिहेवियर होता है वो पारस्परिक या म्यूचुअल होता है, यानी रेसिप्रोकल पैटर्न में होता है। और अगर हम ये देखें कि हिटरोजाइगस ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें चार क्रोमोसोम हैं A, B, A1 एंड B1, ये चार क्रोमोसोम जो है उसमें से जो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है दो, कौन से, A1 और ये B1, ये ट्रांसलोकेटेड या स्थानांतरित गुणसूत्र हैं। इसमें दोनों क्रोमोसोम हेटरोजाइगस अवस्था में ये क्या रहते हैं कि अपने सामान्य होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ ही रह रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो है जीन का ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ रह रहे हैं। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ तो ये अपने इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, इसके अंदर हुआ तो ये अपने इस क्रोमोसोम के साथ रह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये जो चारों क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो नॉर्मल क्रोमोसोम है ए और बी, और दो कैसे क्रोमोसोम है जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण हो चुका है। अब ये चारों क्रोमोसोम क्या करेंगे कि पैकाइटिन स्टेज, इसके कौन सी स्टेज, पैकाइटिन स्टेज, इस पैकाइटिन स्टेज में जाएंगे और वहां जाकर के पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करके क्या करेंगे, क्वाड्रीवेलेंट बनाएंगे। चतुर्युग्म, तो ये चार क्रोमोसोम, चार में से दो नॉर्मल क्रोमोसोम है और दो वो क्रोमोसोम है जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन हो चुका है। ये चार क्रोमोसोम पैकाइटिन स्टेज, मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज, उसमें जो है पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करके और क्वाड्रीवेलेंट या चतुर्युग्म का निर्माण करेंगे। अब ये जो क्वाड्रीवेलेंट है, ये क्वाड्रीवेलेंट कैसे होगा कि ये जो क्वाड्रीवेलेंट आगे चल करके फर्स्ट मेटाफेज मियोसिस की फर्स्ट मेटाफेज वहां पर जाकर के रिंग फॉर्म में रिंग फॉर्म या चेन फॉर्म के रूप में हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रीवेलेंट कैसे बनता है, उसको हम देखते हैं।
ये क्वाड्रिवेलेंट बनता है, और इस क्वाड्रिवेलेंट के अगर हम सेप देखें तो हमें जो है इस तरह की नजर आएगी। ये ए वन हो गया, ए हो गया, ये बी वन हो गया, बी वन हमें इस तरह से, ये एक क्वाड्रिवेलेंट, और ये क्वाड्रिवेलेंट आगे चल करके मेटाफेज कंडीशन में जो है रिंग फॉर्म या चैन फॉर्म में आ जाता है। और अगर ये रिंग फॉर्म में वले फॉर्म आता है तो क्या करेगा कि दो तरह के इसके अंदर रिंग हो सकती है, कि अगर रिंग वो जो है वो फैली हुई है, रिंग की सारी भुजाएं ये जो क्वाड्रिवेलेंट है वो रिंग फॉर्म में आएगा, और रिंग में जो है अगर इसकी सारी आर्म अगर फैली हुई है तो उसको हम आसन विन्यास कहते हैं, और अगर इस क्वाड्रिवेलेंट के द्वारा जो रिंग बन रही है वो रिंग अगर उसमें एंटन है और वले बीच में से एंट जाती है तो एट सेप्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से जो ये क्वाड्रिवेलेंट जो है नॉन ट्विस्टेड और ट्विस्टेड फॉर्म में आती है। ये इस तरह से रिंग फॉर्म में आती है। ये देखिए कि ये जो है क्वाड्रिवेलेंट कौन सी कंडीशन है, मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज में, और वहाँ पर जाकर के और फिर ये फर्स्ट मेटाफेज में रिंग सेप्ट स्ट्रक्चर, और अगर वो रिंग सेप्ट स्ट्रक्चर की जो क्रोमोसोम आर जो है अगर फैली हुई है उसमें किसी तरह की कोई एंटन नहीं है तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है, और उस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं आसन विन्यास, या फिर कह सकते हैं एडजेसेंट ओरिएंटेशन। और दूसरा विन्यास होता है कि इसके अंदर अगर एंटन है, अगर वो वले बीच में कहीं पर एंटी हुई है तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आती है।
इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नजर आती है, एट सेप्ट स्ट्रक्चर, और इस तरह के विन्यास को कहते हैं अल्टरनेट ओरिएंटेशन, अल्टरनेट ओरिएंटेशन। तो दो तरह के ओरिएंटेशन बनाता है, कौन सी स्टेज में, एम फर्स्ट स्टेज में, मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में, आसन विन्यास और जो है एकांतरित विन्यास, अल्टरनेट ओरिएंटेशन और एडजेसेंट ओरिएंटेशन। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है अगर एनाफेज स्टेज में जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें किस तरह की नजर आएगी। अगर ये स्टेज जो है नॉन ट्विस्टेड स्टेज अगर एनाफेज में जाती है तो हमें इस तरह की स्थिति नजर आती है। इस तरह की स्थिति अगर नॉन ट्विस्टेड है और अगर ये ट्विस्टेड कंडीशन या फिर कह सकते हैं कि अल्टरनेट ओरिएंटेशन में जो क्वाड्रीवेलेंट है वो क्वाड्रीवेलेंट अगर एनाफेज कंडीशन में जाएगा तो वो कैसी कंडीशन बनाएगा, इस तरह की कंडीशन को बनाएगा। इस तरह की कंडीशन ये जो है एनाफेज में बनाएगा। तो दोनों ही अलग अलग है कि नॉन टू स्टेट या फिर एडजेसेंट ओरिएंटेशन और दूसरा है अल्टरनेट ओरिएंटेशन। दोनों में जो है एनाफेज स्टेज में जाने के बाद में इस तरह की स्थिति हमें नजर आती है। अब हम ये देखते हैं कि जो एडजेसेंट ओरिएंटेशन या फिर आसन विन्यास है उसमें जो बनने वाले युग्मक है वो डिलीशन और डुप्लीकेशन की वजह से आगे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आसन विन्यास में जो कैमेट्स बनते हैं आसन विन्यास की वजह से या जो अल्टरनेट ओरिएंटेशन की वजह से एकांतरित विन्यास की वजह से जो कैमेट बनेंगे उस कैमेट में डिलीशन और डुप्लीकेशन नहीं होता है और वो जो है सर्वाइव कर जाते हैं। और यही कारण होता है कि हिट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन के अंदर हिट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स के अंदर जो एंथर बनते हैं वो 20-60% जो है ऐसे होते हैं स्टेराइल या बंदे होते हैं। तो ये जो है ट्रांसलोकेशन का बिहेवियर ऑफ ट्रांसलोकेशन। अब हम ये देखते हैं कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ट्रांसलोकेशन के परिणाम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। अब हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन में न तो जीन की संख्या बढ़ रही है जीन की संख्या घट रही है, यानी जीन की संख्या में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से या फिर वो कह सकते हैं कि वास्तविक जीन उत्परिवर्तन या जीन म्यूटेशन नहीं होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जीन के नंबर या फिर जो है डिलीशन या डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट तो हो रहा है, यानी जीन की टाइप चेंज हो रहा है, सीक्वेंस चेंज हो रही है। तो जीन रीअरेंजमेंट होना भी एक तरह से जीन म्यूटेशन ही कहलाता है, वो जीन म्यूटेशन से कम नहीं है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीन रीअरेंजमेंट होना ट्रांसलोकेशन के अंदर वो भी अपने आप में इवोल्यूशन की दृष्टि से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम ट्रांसलोकेशन की इम्पोर्टेंस देखें, इसके महत्व देखें या फिर जेनेटिक इफेक्ट देखें, तो
तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन का उपयोग, स्पेशली शिफ्ट ट्रांसलोकेशन का उपयोग, हम जो है किसी भी वाइल्ड स्पीसीज से कोई भी जो है कल्टिवेटेड क्रॉप हो या फसल हो, उसकी जो वाइल्ड स्पीसीज होती है उस स्पीसीज से जो है डिजायरेबल करेक्टर वाले जीन लेकर के और हम जो है उस जो है फसल में यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो फसल जो है डिजायरेबल करेक्टर, चाहे वो रेजिस्टेंट जीन हो, तो जो है उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं और वो फिर कल्टिवेटेड क्रॉप जो है उस जीन के एक्सचेंज से वो जो है उस डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट जो है प्रतिरोधी हो जाएगी। तो हम जो है इस शिफ्ट ट्रांसलोकेशन का उपयोग जो है एक अप्रोप्रिएट जीन या डिजायरेबल जीन को शिफ्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ट्रांसलोकेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।